मैं कंपेयर की जा रही हूँ खिसियानी बिल्ली से। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि आप जो मुझे हमेशा खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे ये जो कहते हो ना, ये बहुत ही स्टुपिड चीज़ है, क्योंकि आपको दिखता नहीं है मेरे शक्ल में कि मैं बिल्ली नहीं शेरनी हूँ, और हूँ ना। और दूसरी बात ये है कि मैं इस्लाम कुछ नहीं जानती हूँ, तो मैं क्यों बात करती हूँ? मुझे करना है भाई, आप मत देखो। मैंने कब आपको ज़बरदस्ती किया है कि आप आओ मेरे चैनल पे या आओ ट्विटर पे और मुझे देखो? मैंने तो नहीं कहा। आप क्यों इतना इंटरेस्ट लेते हो? और दूसरी बात ना, मैं हम जो सनातनी है ना, वो लोग शेरनियाँ ही होते हैं ना, कि बकरियाँ जिनको आप पालते हो, पहले उनको उसको खिला पिला के उसको फिर हलाल कर देते हो और यूज़ भी करते हो और उसके बाद हलाल कर देते हो। तो हम वैसे नहीं है ना, इसीलिए हम वही हैं, हम शेरनियाँ ही हैं, और हम यही प्रमोट करेंगे। और प्रमोट क्या, ये तो मेरी ज़िंदगी है अभी, प्रमोट करने की क्या ज़रूरत है? सनातन धर्म को कोई प्रमोट करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। ये तो ऑलरेडी एक बना बनाया यूनिवर्स का बहुत पुराना, बहुत प्राचीन एक वे ऑफ लाइफ है। मैं आपको क्या समझा सकती हूँ? आपको समझा ही नहीं सकती ना। यही तो प्रॉब्लम है कि आप लोग के दिमाग के अंदर घुसता नहीं है। तो मैं क्या करूँ? तो मैं तो अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, आपको सोचने पे मजबूर करती हूँ, लेकिन आपको वो भी नहीं करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ उसके बारे में बताओ? तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे नहीं, शेरनी दहाड़ती है ये समझो। ये मैं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ वही कर सकती हूँ जो एक शेरनी करती है। वो दहाड़ सकती है, वो बराबर जवाब दे सकती है, ठीक है? तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी लिखोगे ना, तो ज़रूर ये बात पे गौर करना, क्योंकि मैं आपको तो किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकती, ना कुत्ते से, ना गधे से, ना किसी किसी प्राणी से नहीं कर सकती। बताओ, किसी भी प्राणी से आपको मैं आपकी तुलना नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप हो ही वैसे, अक्ल नहीं है, अक्ल।